हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके रिपेयरिंग। दोस्तों उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज ये हमारे पास रिसीवर आया हुआ है। दोस्तों ये स्मॉल रिसीवर है, 1506C वाला। दोस्तों इसमें पहले किसी दोस्त ने काम किया है लेकिन ये इसका प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। दोस्तों आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये इसकी LMB के तार के बगैर विदाउट LMB के ये 92 सिग्नल बताता है और सर्चिंग करते तो ये चैनल भी नहीं उठाता। ये देखो दोस्तों, LMB की तार कोई नहीं लगी हुई, इसके बावजूद भी इसके दोस्तों ये वीडियो की पिन निकालेंगे। ये देखो दोस्तों, हमने पिन निकाल दी, अब इसमें दोबारा लगाएंगे। दोस्तों ये इसी रिसीवर का मेन्यू है। ये देखो दोस्तों, डायरेक्ट ये 92 सिग्नल बताता है। दोस्तों हम सबसे पहले इसमें सिग्नल IC निकाल लेंगे, दूसरी लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, हमने इसकी सिग्नल IC निकाल दी, दूसरी लगा के चेक करते हैं कि सिग्नल उठाता है या नहीं। दोस्तों हमने इसमें रिंग लाइसी लगा दी लेकिन दोस्तों ये इसका फिर भी सेम पोजीशन है। ये देखो दोस्तों, अभी इसकी मेन निकालेंगे, मेन चेंज करेंगे। दोस्तों हमने इसकी मेन निकाल दी और पुराना बोर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, उसकी निकाल के लगाएंगे इसमें। दोस्तों इसकी मेन लगा के आपको चेक करवाएंगे। दोस्तों हमने इसकी निकाल दिया मैन IC। दोस्तों हमने इसमें वीडियो हमने पास कर दिए, IC हमने इसमें लगा दी है। दोस्तों उसको आपको चेक भी करवाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम हल होता है या नहीं। दोस्तों हमने इसको पावर दे दिया। दोस्तों रिसीवर हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है, अभी चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम हल हुआ या नहीं। ये देखो दोस्तों, अभी कोई सिग्नल नहीं है, हमने LMB की तार नहीं लगाई हुई। दोस्तों LMB की तार लगा के बस उसको सर्च करेंगे, देखेंगे कि हमारा रिसीवर चैनल उठाता है या नहीं। दोस्तों हमने रिसीवर को सर्चिंग पे लगा दिया है। दोस्तों मेरा नाम है सारंग कसकेली। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और दोस्तों से पूछते हैं कि आपकी शॉप कहाँ पे है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरी शॉप टंडोलिया शहर मीरवा रोड पाकसंगार स्टॉप पे मेरी दुकान है। दोस्तों से कमेंट में पूछते हैं कि आपकी शॉप किधर है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी सर्चिंग मुकम्मल हो गई। ये देखो दोस्तों, उसके चैनल भी आ गए। दोस्तों ओके हो गया रिसीवर हमारा। दोस्तों उसका मेन IC का प्रॉब्लम था। दोस्तों ये कस्टमर का नाम भी लिखा हुआ है, पहले भी किसी के पास गया था उसने लिखा था। दोस्तों अभी रिसीवर हमारा बिल्कुल ओके हो गया। दोस्तों उसमें मेन IC की प्रॉब्लम थी। ओके दोस्तों, दुआओं में आप।